Hello dear viewers and welcome at this session. Today we are going to talk about the concept of Cloze test. When it comes to the Cloze test, ye aapko aapke competitive exams mein aata hai around 10 marks ka agar hum aapke mains ki baat karte hain aur pre mein bhi ye 5 marks ka to minimum aata hi aata hai. Ab Cloze test hota kya hai? Sabse pehle to yaad rakhiye Cloze test is nothing but a form of fill-ups. Khali sthan bharo jo hum school mein karte the. So in this session we are going to discuss about the approach you need to apply when it comes to the solution of your Cloze test. To agar hum Cloze test ke approach ki baat karte hain to sabse pehle aap yaad rakhiye aapko khali sthan bharna koi nahi sikha sakta. Khali sthan kaise bhare jate hain is pe hum कैसे सिखाएंगे? On the spot we need to take the decision कि इस plank में ये चीज apply हो सकती है. लेकिन still here are certain points that we can apply. इन पॉइंट्स के थ्रू वी कैन असिस्ट यू. हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि जब क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की बात आती है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है. तो सबसे पहले आप याद रखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज मस्ट. What student generally do, उस क्लोज टेस्ट को देखते हैं और पहली ब्लैंक से ही ऑप्शन फिलअप करना शुरू कर देते हैं. ऐसा नहीं होता. एक नजर पूरे पैसेज पे मारना जरूरी होता है जस्ट टू चेक वेदर आई एम डूइंग द पैसेज रिलेटेड टू एनी सोशो इकोनॉमिक इशू. वो टिपिकल इकोनॉमिकल पैसेज है, सोशल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, किसी रिसर्च बेस्ड है, किसी इन्वेंशन बेस्ड है या किसी सोशल स्टिग्मा पे बेस्ड है. जब आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना तो आंसर ढूंढने बहुत आसान हो जाते हैं. तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज मस्ट. नाउ दूसरा, सेंटेंसेस आर इंटरवोवन. अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट से आपको सपोर्ट क्या मिलेगी? आपको सपोर्ट मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि सारे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं या जो पैसेज आपके सामने लिखा गया है वो इंटरवोवन है. कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसका खुद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है. ऐसा करने से फायदा क्या होता है? सपोज मैंने फर्स्ट ब्लैंक सॉल्व कर लिया, सेकंड ब्लैंक सॉल्व कर लिया, पर थर्ड मुझे करना नहीं आ रहा. पूरे एफर्ट्स लगा लिए फिर भी मुझे नहीं पता चल रहा कि थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा और मैं फोर्थ पे स्विच हो गई लेकिन फोर्थ का आंसर मैंने ढूंढ लिया. तो ये जो इंटरवोवन होता है ना, टू भी मैंने किया था, फोर भी मैंने कर लिया. तो कभी कभी क्या होता है, इन दोनों के रिलेशनशिप से जो चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रही होती वो भी सॉल्व हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट ऑफ द ब्लैंक्स इज रिक्वायर्ड टू जज द काइंड ऑफ वर्ड यू हैव टू फिल इन. अब देखिए अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट ऑफ द ब्लैंक का मतलब क्या होता है. जैसे सपोज ये ब्लैंक है, इधर लिखा हुआ है सिंगिंग. ओके, अब ING वाली फॉर्म से मुझे पता चलता है कि इस ब्लैंक में मैंने जो भी ऑप्शन भरना है वो कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होना चाहिए. अब अगर मेरा पैसेज प्रेजेंट में चल रहा है तो इज़ मार चुन लो. अगर आपका पैसेज वॉज वर में पास में चल रहा है तो वॉज वर चुन लो. लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखे होते हैं ना, ये वर्ड बड़ी सपोर्ट करते हैं जज करने में कि आर्टिकल भरना है, कि वर्ब भरनी है, कि नाउन भरना है, कि प्रोनाउन भरना है. यू विल ऑफन कम अक्रॉस अ ब्लैंक दैट हैज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. जनरली स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आता ही आता है कि जब भी वो क्लोज टेस्ट करते हैं, ब्लैंक पे जाते हैं तो उनको एक से ज्यादा ऑप्शन दिख जाते हैं जो ब्लैंक पे अप्लाई हो सकते हैं. देखिए हमेशा ही दो ऑप्शंस के बीच ऐसा होता है. पांच ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, तीन तो इजीली पीपल इलिमिनेट कर देते हैं लेकिन दो में कहीं वो स्टक हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा. तो इसमें हमने क्या करना है, तो आपने याद रखना है कि जिस भी ब्लैंक में आप आंसर भरना चाह रहे हैं पर्टिकुलर उस एक ब्लैंक पे फोकस करने की बजाय पूरे के पूरे सेंटेंस या पूरे के पूरे पैसेज पे फोकस करिए कि मैं जो भी वर्ड भरूंगा यहाँ पे वो इस ब्लैंक में नहीं पूरे के पूरे पैसेज में सूट करना चाहिए. ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास आपके लिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. जॉन डैश डाउन द स्टेयर्स बंपिंग अलोंग लाइक अ क्वार्टर इन अ टम्बलिंग ड्रायर. व्हाट जनरली स्टूडेंट्स डू, स्टूडेंट्स ने इतनी प्लान भरनी है. हमें स्कूल, हमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे हमें बताया जाता है कि जल्दी जल्दी काम करो, आपके पास 20 मिनट्स हैं तो आइडिया लो और आंसर भर दो. तो जॉन डैश डाउन द स्टेयर्स, यहीं तक जिस बच्चे ने पढ़ा उसने चुपचाप आंसर ले लेना है. फेल, जॉन फेल डाउन द स्टेयर्स, जॉन सीढ़ियों से गिर गया. लेकिन जो पूरे कंटेक्स्ट
को समझेगा. अभी मैंने आपको क्या बोला कि उस ब्लैंक पे फोकस नहीं करना, पूरे के पूरे लाइन को देखना है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए. तो आगे क्या लिखा है, बंपिंग अलोंग लाइक क्वार्टर इन अ टम्बलिंग ड्रायर. अब टम्बलिंग ड्रायर कहाँ पे होते हैं, वॉशिंग मशीन में होते हैं. तो यहाँ पे फेल नहीं आएगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्रॉप्ड भी नहीं होते, वॉशिंग मशीन में कपड़े टम्बल्ड होते हैं. तो आंसर फेल की जगह टम्बल्ड आएगा. तो नंबर उसको मिलेंगे जिसने पूरा आंसर पढ़ा है, ना केवल उसको जिसने फेल भर दिया, उसका तो नंबर कट जाएगा रादर. तो इन जनरल टर्म्स व्हाट वी कैन से, प्रिपरेशन यू कैन रीड जनरल प्रिपरेशन में, अगर जनरल टर्म्स में बताया जाए तो सी, व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज, एज मच यू रीड द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, द स्टोरीज, द नॉवेल्स, जितनी भी ज्यादा इंग्लिश की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग की, उतनी कीजिए. क्योंकि अगर आप, जब आप रीडिंग करने लगते हो इंग्लिश की, तो आपको लैंग्वेज खुद से बहुत सारी चीजें एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करने लगती है. ठीक है, द मोर यू रीड द बेटर सेंस यू विल हैव. आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा ही चीजों का आइडिया आएगा. नो वन इज परफेक्ट इन लैंग्वेज, नो वन कैन बी परफेक्ट इन द लैंग्वेज, बट जो टीचर बनते हैं, जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, जो नॉवलिस्ट होते हैं, वो बात के जस्ट को पकड़ लेते हैं, बात के सेंट्रल आइडिया को पकड़ लेते हैं और फिर बात बना देते हैं. ठीक है जी, तो ये जो रूल्स होते हैं ये मैंने और आप में से हमने ही बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए. मैक्सिमम न्यूज़पेपर रीड कीजिए, पढ़ते पढ़ते ही आपको चीज़ों की सेंस समझ आने लगती है. और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं साथ में पेंसिल लेके बैठा कीजिए. पूरे दिन में भले एक ही आर्टिकल पढ़िए, लेकिन उस आर्टिकल को पेंसिल के साथ अंडरलाइन कीजिए कि ए लगा है किसी वर्ड के आगे तो क्यों लगा है. अगर कहीं पे उन्होंने हिम लिखा है तो क्यों लिखा है, हिमसेल्फ लिख दिया है तो अब हिमसेल्फ क्यों लिखा है. और रिलेट कीजिए कि हिमसेल्फ लिखा है तो प्रोनाउन के चैप्टर में मैडम ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया, वहां पे मैडम ने हिमसेल्फ बताया कैसे आता है. तो अगर आप वो हिमसेल्फ एक्सप्लेन करना कर पा रहे हैं, मतलब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है. मतलब अगर किसी नाम के आगे लगा है ए, तो अगर आप ए मोहन समझ पा रहे हैं कि ए मोहन क्यों लिखा है, तो आपको आर्टिकल का वो रूल याद है जिसमें आपको बताया गया कि स्ट्रेंजर के नाम के आगे आर्टिकल ए लग सकता है. और उसके अलावा इन द एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं. अब आपके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व टू क्लोज टेस्ट टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंडिंग. कि इस अप्रोच में जो हमने सीखा है कि पूरे पैसेज का कंटेंट समझना चाहिए, ब्लैंक से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वर्ड कौन सा आएगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए. चलिए हम दो पैसेज क्लोज टेस्ट करके देखते हैं और उसके बाद से देखते हैं हमें क्लोज टेस्ट में कोई और इशू रह जाता है कि नहीं.